अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सारोस के विवादास्पद बयान पर बीजेपी का हमला, कहा पीएम को बदनाम करने की साजिश, जवाब देगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा कि उन पर कटाक्ष करेंगे, उन पर वार करेंगे तो वो सहन करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान पर वार ना वो स्वीकार करेंगे ना कोई हिंदुस्तानी स्वीकार करेगा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर अब ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन का हमला, कहा मोदी को बदनाम करने के लिए घटिया पत्रकारिता का शर्मनाक उदाहरण। The so-called documentary, which was more of a propaganda video, if you like, in a two-part series, was an absolutely disgraceful piece of shoddy journalism with an attack on Narendra Modi. मध्य प्रदेश के सीहोर में चमत्कारी रुद्राक्ष के लिए उमड़ा जनसैलाब, भोपाल इंदौर हाईवे पर लंबा जाम, प्रशासन ने रुद्राक्ष बांटने पर लगाई रोक। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से हाथापाई के मामले में पुलिस ने आरोपी सपना गिल को किया गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी आज, सपना के वकील बोले नशे में थे पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ जो है बहुत ज्यादा ड्रंक थे, पिए हुए थे और अल्कोहल पे बहुत ज्यादा हाई थे, उन्होंने उनको अब्यूज किया, उनको मारा। तुर्की में ऑपरेशन दोस्त को पूरा करने के बाद एनडीआरएफ टीम का देश पहुंचना शुरू, बटालियन हेडक्वार्टर में भारत माता की जय के साथ जोरदार स्वागत। वेब पर तहलका मचाने के बाद टीवी पर देखिए न्यूज 18 इंडिया की ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज एफआईआर नंबर 208, शनिवार रात 8 बजे से लगातार। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज एफआईआर नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, पुलिस और समर्थकों के बीच नोकझोंक। स्टिंग में फंसने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने बीसीसीआई को भेजा इस्तीफा, सचिव जय शाह ने किया मंजूर। इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया।